Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim salli. Assalamu alaikum dosto, kaise hain aap sab? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कोचिया ग्रास को घर में किस तरह ग्रो करना है ये सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश करता हूं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकअल्लाह। दोस्तों ये कोचिया के ब्रांड जो हैं ये मैंने कल ही शॉपिंग की है नर्सरी की। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो का लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकेंगे। उसमें मैंने बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स खरीदे थे, ये देखें अभी भी ये प्लांट्स जो है ना पड़े हुए हैं। तो मैंने अभी इनको जो है ना ट्रांसप्लांट करना है, इनको लगाना है। तो ये देखें ये कोचिया को हम जो है ना किस तरह घर में लगा सकते हैं। उसके लिए आप जो है ना गमले कौन से लेंगे, तकरीबन जो है ना आपने छोटे से छोटा जो गमला लेना है वो बेस्ट है इसके लिए, 12 इंच का पॉट। ये दोस्तों 12 इंच का पॉट है, इसमें हम इसको ग्रो करेंगे। इसकी रूट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं कोचिया प्लांट की, और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों डेकोरेशन प्लांट है, सीजनल प्लांट है, 12 महीने ग्रोथ नहीं करता। समर सीज़न में, गर्मियों में ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और इसकी जो है ना इसका कटाई करके, इसकी प्रूनिंग करके हम बहुत ही खूबसूरत जो है ना बाउल भी बना सकते हैं, इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर लाइए। बहुत ही सस्ता भी होता है, आसानी से आपको नर्सरी से मिल जाता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने गमले आपको बता दिया कि 12 इंच के मैंने चूज़ किए हैं, गुजराती गमले हैं, मिट्टी के गमले हैं। मिट्टी के गमले में बहुत अच्छी ही ग्रोथ प्लांट्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर यह कि आपने जो सॉइल मिक्सचर यूज़ करना है वो आपने गार्डन सॉइल ही यूज़ करनी है। दोस्तों आप अगर अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, वो आपको मैं शेयर कर देता हूं कि आप इसमें एक हिस्सा गाय का गोबर जो है खाद इस्तेमाल करें, गाँव डक इसमें इस्तेमाल करें। वैसे मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं इसको दोस्तों यूरिया या DAP वगैरह देकर जो है ना अपना काम चला लूँगा। इस वक्त मेरे पास जो है ना काउ डंक मौजूद नहीं है, गाय का गोबर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं यूज़ कर रहा। आप इसमें यूज़ करेंगे तो इससे इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों इसको ट्रांसप्लांट करने का भी तरीका आपसे इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। तो आप ये प्लांट देख सकते होंगे, बहुत ही आसान दोस्तों तरीका है इसको लगाने का। तो चलिए मैं आपसे ये तरीका जो है ना शेयर कर लेता हूँ कि किस तरह हमने इसको ग्रो करना है। तो ये प्लांट आप देख सकते होंगे, ये देखें सबसे पहले जो है ना राइट वाला मैं लगाऊँगा, ये वाला ये प्लांट जो है जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये इसको मैं लगाना आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये प्लांट एक छोटे से गमले में लगा हुआ है, 5-6 इंच का पॉट है। तो ये देखें इसकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, ये देखें इसकी रूट्स, ये देखें, ये आप रूट्स से इसके देख सकते होंगे। तो आपने करना क्या दोस्तों, मिट्टी को नरम कर लेना है, ये ऐसे दोस्तों मिट्टी को आपने जो है ना नरम कर देना है, बाउल सब ना आ देना दोस्तों इसकी रूट्स को आपने रखने के लिए, जस्ट करने के लिए। और आपने इसको गमले के ऐसे एज के ऊपर जो है ना थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसका रूट बॉल बाहर आ जाएगा। तो ये देखें आने लगा है, बिस्मिल्लाह आ नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि ये देखें रूट्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना गमले के साथ मर्ज हुई हुई हैं। ये देखें कितनी सख्त रूट्स हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा था प्लांट। तो आपने इसको निकाल लेना है, लें दोस्तों ये देखें आप देख सकते होंगे कितनी आसानी से हमने जो है इसका रूट बॉल निकाल लिया है। ये देखें इसकी रूट्स तो देखें, ये देखें काफ़ी अच्छी रूट्स जो है ना ग्रोथ कर रही हैं। आपने ऐसे अपने प्लांट को रखना है डेड सेट, और आपने मिट्टी से इसको कवर कर देना है। आप देख सकते होंगे बहुत ही आसानी से हमने अपने कोचिया प्लांट को लगा लिया है, ठीक है दोस्तों। और इसको दोस्तों लगाने के बाद आपने एक काम करना है, गमले को थोड़ा सा ऐसे करना है ताकि थोड़ा सा हिलाना है, ये देखें चलें। अब आपने इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी मिट्टी और ऐड कर लेनी है, तो चले करते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी मिट्टी मैं और ऐड कर लूँगा, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें दोस्तों हमारा प्लांट कितनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते होंगे, ये देखें माशाल्लाह हमारा प्लांट लग चुका है। ट्रांसप्लांट किस तरह किया आपने देखा। तो ऐसे ही दोस्तों वो दूसरे जो प्लांट को मैं इंशाल्लाह ये प्लांट को दोस्तों ट्रांसप्लांट करके फिर आपसे शेयर करता हूँ।
जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारे प्लांट लग चुके हैं, तो आप इसकी खूबसूरती तो देखिए, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। गमले में लगा लिए हैं, ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, आपसे तरीका शेयर किया था हमने किस तरह लगाने हैं। तो दोस्तों आखिरी काम रह गया, वो क्या बहुत ज़रूरी है कि आपने जब भी अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना है तो दोस्तों उनको पानी अच्छा खासा देना है। तो आप शावर की मदद से पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आपने पानी अच्छा खासा देना है, पहली मर्तबा प्लांट को पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों वो ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाएगा और कुछ ही दिनों में ही जो है ना सूख कर मर जाएगा। तो अच्छा खासा पानी दे लेना जब आपने प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, नए गमले में लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकअल्लाह। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप खुद बताएं, कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये प्लांट्स आपको कैसे लग रहे हैं और आपको समझ लग गई। अगर कोई दोस्तों बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकअल्लाह, क्योंकि आपका भाई इंशाल्लाह गार्डनिंग की भी वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी, सीखना सिखाना मेरे चैनल पर चलता रहेगा, दिन का भी हम काम करते रहेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को रबर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।